आज हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फिर से सुने, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यह जगह हैरी हैस, हैरी हैस। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न के नियम कहाँ पाए जाते हैं? विश्व के सबसे लंबे जलमग्न के नियम कहाँ पाए जाते हैं? ये हो जाएंगे बेरिंग सागर में, बेरिंग सागर में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? ये हो जाएगा एम्फीबोलाइट, एम्फीबोलाइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंग को सुनामी कहते हैं? किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंग को सुनामी कहते हैं? यह हो जाएगा जापान, जापान। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? यह हो गया अंटार्कटिक महाद्वीप, अंटार्कटिक महाद्वीप। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहाँ क्या कहलाता है? पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? यह हो जाएगा मैग्मा, मैग्मा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दक्षिणी अल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिणी अल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ताल का मकान मरुभूमि किस देश में स्थित है? ताल का मकान मरुभूमि किस देश में स्थित है? यह होगा चीन में, चीन में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? यह हो जाएगा हिमानी क्षेत्र में, हिमानी क्षेत्र में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कॉमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल लाइक इनको सब्सक्राइब कीजिएगा।